अर्जुन जितने भाग बताए, नए नवेले रोग कमाए। अनहोनी की सब होनी है, लिखत पढ़त सारी खोटी है। नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला। तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला। मौला। इंसान आज भी अंधेरों में बहुत दूर जा चुका है, कभी अपने लिए और कभी अपने नसीब बदलने के लिए। कोई कहता है किस्मत वो बदल सकता है, कोई कहता है किस्मत वो खुद बना भी सकता है, और फिर खेलते अपनी तकदीर के साथ, सितारों के साथ, इंसानों के साथ और कुदरत के साथ, और बदलते हैं उस नसीब को जो बहुत पहले लिख दी गई है, जिसे जानने का किसी को कोई हक नहीं सिवाय उन लोगों के जो खास हैं। दुनिया के हर दौर में कोई ना कोई शख्स ऐसा गुजरा है जिससे लोगों को हिदायत मिली। गुमराहियों से बचाने के लिए खुदा ने कई फरिश्ते भेजे, किसी को इंसान का रूप मिला, किसी को फरिश्तों का, लेकिन बात सब एक ही कर गए। खुदा एक है और हर चीज पर कादर और कुदरत रखने वाला है। वालेकुम सलाम, आपकी चाय। शुक्रिया। खुदा ने मुझे बड़ी अच्छी तकदीर दी है बेगम साहबा, जो आपको मेरी शरीक हयात बनाया। अब वैसे भी मुझे तो कुछ याद रहता ही नहीं है, लेकिन आपको मेरे आने जाने की घड़ियां तक याद रहती है। आपकी शागिर्दी में रहते रहते इतना तो सीख गई हूँ, मुझे घड़ियां याद नहीं होती, पता चल जाता है। इसमें आपका या मेरा कोई कमाल नहीं है बेगम साहबा। ये देखना, समझना, अमल करना, ये तो खुदा की देन है। या तो ये हमारे अंदर मौजूद होती है या फिर नहीं होती। लेकिन जब तक हम अपने अंदर झांकना नहीं सीखेंगे, अपने अंदर की आवाज सुनने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ना हम खुद को पहचान सकते हैं ना ही अपने रब को। ना पहचानने का तो कोई जवाब पैदा नहीं होता, क्योंकि रब तो हर जगह है, हर शहर है। अब अगर कोई जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ले तो फिर उसके लिए सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, वरना कुदरत तो हर तरफ निशानियां दिखाती है अपने होने की। तो बात आकर खत्म हुई हम पर, ना हम पहचानते हैं ना कोशिश करते हैं, और इल्जाम देते हैं किस्मत को, क्योंकि हम कोशिश करते हैं उस वक्त जब हमसे करवाई जाती है। आपसे बातों में ये बताना ही भूल गई कि सुबह से मिनिस्टर साहब के कई फोन आ चुके हैं, बेचारे बहुत परेशान लग रहे थे। मिनिस्टर साहब और परेशान, इन्हीं लोगों की वजह से तो आवाम परेशान है। वो वाकई परेशान थे। तो फिर आप ही कुछ मदद कर देती ना उनकी, आपको भी तो इस इल्म में माशाल्लाह खासी बरतरी हासिल हो गई। आप जानते हैं मैंने अपनी हदें मुकर्रर की हुई हैं, मैंने रब की देन को सिर्फ दुआ तक महदूद रखा है। मैं बीमारों के लिए दुआ तो कर सकती हूँ, लेकिन शिफा देना रब के हाथ में है। यकीन जाने बेगम, ये सारे मिनिस्टर सबसे ज्यादा बीमार है। लीजिए, आपके बीमार का फिर फोन आ गया, आप खुद ही बात कीजिए। अरे ले ले। हेलो जी मिस्टर साहब। हम कहाँ मिनिस्टर हैं? अरे हमारे लिए तो आप ही मिनिस्टर हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मिनिस्टर साहब,
हर चीज पर कादिर तो अल्लाह की जात है। नहीं नहीं नहीं, आप ही सब कुछ हैं हमारे लिए। इज्जत अपनी जगह मिस्टर साहब, लेकिन इस किस्म की बातें खुशामद कहलाती हैं, और खुशामद इंसान के दिल में गुरूर और तकब्बुर पैदा करता है और बंदा गुनाहगार हो जाता है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपसे एक मशवरा करना था। एक बंदा मुझसे सीट मांग रहा है। देखिए डांटिएगा नहीं, मैंने उससे 2 करोड़ रुपए मांगे हैं और वो देने के लिए तैयार है। तो फिर मुझे फोन करने की क्या जरूरत थी? आपके हाथ में सीट है और उसके हाथ में रिश्वत। मेरा उस बंदे पे दिल ठोक नहीं रहा। मुझे बताइए आपकी तारीख पैदाइश क्या है और आपकी वालदा का नाम क्या है? माँ का नाम अनिला है, तारीख पैदाइश 10/10/66। उस बंदे की तारीख पैदाइश और माँ का तो मुझे नहीं पता। आप तो वैसे भी अदद और शुमार के बादशाह हैं, आप इन तमाम चीजों के बगैर ही सब कुछ बता सकते हैं। अल्लाह ने आपको बड़ा इल्म दिया। देखिए, मुश्किलात, मुसीबत और बुरी घड़ी बंदे की अपनी वजह से आती है और वो ये होता है जो किस्मत हमसे चाहती है। किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है, इसीलिए कुछ सदकात और खैरात दिया करें। इससे बलाएं टलती हैं और गुनाहों का बोझ कम होता है। आपने मुझे फिक्रमंद कर दिया है। आप मुझे जरा तफसील से बताएं, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। फिक्रमंद होने की तो बात है, आपके सितारे कुछ गर्दिश में हैं। इस हमले से बचने की कोशिश करें और हो सके तो अपनी मसरूफियात कुछ कम कर दें। हमला? कैसा हमला? आपने शायद गौर से नहीं सुना, मैंने आपसे सितारों के हमले की बात की है। लेकिन मुश्किल यह है कि सियासतदान वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, और क्या बता रहे थे आप? तमाम मसरूफियात तर्क कर दो। देखिए, ना कोई नया काम शुरू करें, ना कोई दोस्ती, ना कोई सफर और ना ही कहीं आना जाना। 8 नंबर से जरा दूर रहने की कोशिश करें। जी जी, आप फिक्र ना करें, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मुझे आपके ऊपर अंधा यकीन है, और हाँ, 8 नंबर से भी दूर रहूंगा मैं। देखिए मिस्टर साहब, मैंने अभी आपको समझाया था कि मुझ पर नहीं अल्लाह की जात पर यकीन करें, क्योंकि जो कुछ करता है वही करता है और वो कुछ भी कर सकता है। जी जी, बस मेरे हक में दुआ कीजिएगा और आपके कहने के मुताबिक मैं कुछ दिन एहतियात करूंगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे सुबह सुबह दूध का गिर जाना अच्छा शगुन नहीं है। आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। ये बला किसी और के हिस्से की थी। जी हेलो। जी जी, मैं मिनिस्टर साहब का पीए बात कर रहा हूँ। आपने इतनी जल्दी सीट क्यों करवा दी? तो वो हो नहीं क्या था? सर मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश जारी है, जैसे जवाब मिला मैं आपको पेश कर दूंगा। इमरान, कल मुझे इसकी कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए। सर आप बेफिक्र हो जाए। गुड। आप तो बता रहे थे शायद पेमेंट वगैरह उसकी हो गई है। एक्सक्यूज मी सर, आपसे जरूरी बात करनी है। देख रहे हो, इस वक्त मसरूफ हूं, बाद में बात करेंगे। सर आप 1 मिनट के लिए बाहर आए, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। एक्सक्यूज मी गाइस, जरा एक जरूरी काम है। आइए। हाँ बोलो, क्या बात है? सर आपसे बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आपके चहेते दोस्त चीन से आपने 20 करोड़ रुपए लिए थे, वो दूसरी पार्टी का बंदा था। बात बहुत बढ़ चुकी है सर, इससे पहले कि प्रेस तक ये बात पहुंचे
आप कुछ दिन के लिए यहाँ से बाहर निकल जाए। वो आपके अकाउंट की तफसील शायद मीडिया को बता चुका है। क्या बात कर रहे हो तुम? किसको क्या पता चलेगा और कौन से मेरा अकाउंट मौजूद है? आप समझने की कोशिश करें सर, उसके पास सबूत है। मैं उसका मुंह बंद करने की कोशिश करूंगा, मगर आपका इन हालात में आ रहना ठीक नहीं है। आप इस सितारे कुछ गर्दिश में हैं। वैसे भी सर आपने एक हफ्ते के बाद तो लंदन जाना ही था, तो आप चले जाएं। मैंने आपकी फ्लाइट बुक करवा ली है कल की। तुम क्या कह रहे हो? मैं इस वक्त ट्रेवल बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सर प्लीज, आपको सोचना ही पड़ेगा। आपको कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड होना ही पड़ेगा। ये आपकी सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी है। जब मामला ठंडा हो जाए तो आप वापस आ जाइएगा। ना कोई दोस्ती, ना कोई सफर, और ना ही कहीं आना जाना। सर मामला बदनामी का है और इलेक्शन करीब है। आप अपना बंदोबस्त करके आइएगा, यहाँ का बंदोबस्त मैं संभाल लूंगा। और 8 नंबर से जरा दूर रहने की कोशिश। अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज एक मकामी एयरलाइन PK-404 अपनी परवाज के ठीक 1 घंटा 20 मिनट बाद तबाह हो गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऑपरेशन जरूर कीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन कोई फायदा नहीं है डॉक्टर साहब, उसका वक्त पूरा हो चुका है। तेरी कुदरत मौला। अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज एक मकामी एयरलाइन PK-404 अपनी परवाज के ठीक 1 घंटा 20 मिनट बाद तबाह हो गया है। चंद जराए से ये इतलात मौसूल हुई हैं कि इस तैयारे के 382 मुसाफरों के साथ साथ हमारे मुल्क के इकोनॉमिक मिनिस्टर बदरुद्दीन हैदर भी हलाक हो गए हैं। ज़ैनब, आज तारीख क्या है? जी आ रही हूँ। आने की जरूरत नहीं, वहीं से बता दो आज तारीख क्या है। क्या कह रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही थी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज तारीख क्या है। चांद की 8 और वैसे 26। के 1 घंटे बाद तबाह हो गया है। चंद जराए से ये इतना भी मिली है कि इस तैयारे के 382 अब कौन आ गया 60 के दायरे में? आ गया कोई वो हिबा और मोमिन कहाँ है? हिबा तो पढ़ रही है अपने कमरे में और मोमिन दफ्तर में है। जी बाबा। मोमिन तुम फौरन घर आ जाओ, मैं शहर में कुछ हंगामे होते हुए देख रहा हूँ। क्या हुआ बाबा? वो मिनिस्टर बदरुद्दीन हवाई हादसे में हलाक हो गए, हो सकता है इसका कोई रिएक्शन हो, तुम घर आ जाओ। ओके बाबा, आ रहा हूँ, आप फिक्र नहीं करें। 4 से प्रचार अपनी परवाज के ठीक 1 घंटा 20 मिनट बाद तबाह हो गया है। मैं बिलीव नहीं करती इन सारी चीजों को। ऐसे कैसे हो सकता है कि होने वाली चीज पहले ही पता चल जाए? आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। सो कहना सिक्स सेंस भी तो कोई चीज होती है, पर आई फर्मली बिलीव कि हमारे पैदा होने का वक्त, हमारे स्टार्स, हमारा नाम, बहुत कुछ इन सब पे भी डिपेंड करता है। दिस इज ऑल क्रैप, ये सब बकवास है। मैं नहीं मानती इन सारी चीजों को, और तुम इतने पढ़े लिखे हो फिर भी इन चीजों को बिलीव करते हो। अच्छा ऐसा करते हैं कि तुम अंकल से मुझे मिलो, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मेरा डॉक्टर बनना उनको पहले ही से पता चल गया था। क्योंकि तुम्हें नहीं पता मेरे डॉक्टर बनने में मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। मुझे कभी कभी तुम्हारी बातों से बहुत डर लगता है। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ। आई लव यू अ लॉट। तुम्हारे बारे में अभी तक घर में किसी से बात नहीं हुई, लेकिन कल को जब मेरी तुम्हारी शादी होगी तो तुम मेरे घर में कैसे एडजस्ट करोगी? कि मेरे घर में तो सब लोग, आई मीन बाबा, मामा, हिबा, मैं, हम सब इन चीजों में बिलीव करते हैं। एडजस्ट कर लूंगी,
क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सिर्फ ये बात बताना चाहती हूँ और ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि बंदा अपनी किस्मत खुद बनाता है। तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है, लेकिन जो गलत है उस पर यकीन करना भी गलत है। खैर छोड़ो, अब हम चलते हैं क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया। छोड़ो यार, बैठते हैं अभी। मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ कोई स्ट्राइक हो जाए ताकि छुट्टी मिल जाए, लेकिन तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं, मेरी नहीं। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हमारे मुल्क में स्ट्राइक हो। कितना नुकसान होता है, गरीबों का कितना नुकसान होता है, ये सही नहीं। वैसे तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी डर भी जाता हूँ तुम मेरे मामले में भी गलत और सही में पड़ जाओगे। अगर कभी गलती से कोई इंसान से गलती हो ही जाती है तो मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम्हारे असूल मेरी जात से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है? असूल तो असूल है, और किसी को हक नहीं असूल तोड़ने। और कभी तुमने छोटी मोटी गलती कर भी दी तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूँ, लेकिन अगर जानबूझ के कभी कोई गलती की तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा, बल्कि हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगा। झूठी, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तुम जानती हो इतना प्यार तुम्हें कोई दे ही नहीं सकता। छोड़कर बताऊं क्या? पहले मुझे कुछ गलत तो करने दो। जी कौन से अखबार से? जी डेली सितारा हिलाल से, ज़ुल्फ़िकार साहब हैं? देखिए वो किसी भी सहाफी से बात नहीं करना चाहते। मैडम प्लीज आपने एक बार फोन पर बुला दें, मुझे एक बहुत बड़े इशू पर उनका इंटरव्यू लेना है और कुछ पूछना है। कोई सहाफी है, आप खुद बात कर लें। भाई मैं कितनों से बात करूं, आप कह दीजिए मैं मसरूफ। आप खुद मना कर दें, मुझसे नहीं होता बार बार। हेलो वालेकुम सलाम। सर क्या ये दुरुस्त है कि आपने मिनिस्टर साहब की मौत की पेशनगोई की थी? देखिए मैंने तो सिर्फ उन्हें मोहतात रहने के लिए कहा था। सर आकर हुआ तो वही ना जैसा आपने कहा था, आपकी प्रेडिक्शन 100% दुरुस्त हुई हमेशा की तरह। ये महज एक इत्तफाक है, उनके पीए ने मुझे बताया इस हादसे के बारे में। अब खुदा रहा आप इसे छाप कर मेरी जिंदगी अजाब न बना दे। अरे सर अल्लाह ना करे, आप तो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर एक दो इंटरव्यू छप जाए तो आपको खुश होना चाहिए, आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। सर भाई मैं तो खुद एक अदना सा इंसान हूँ और अपने रब का मोहताज हूँ, मैं क्या किसी की मदद करूँगा। सर मगर लोगों को आपके स्टैंड का पता चलना चाहिए, आप बहुत बड़े इंसान हैं। जी जी मैं इंसान हूँ, बहुत शुक्रिया आपके फोन करने का। आपसे गुजारिश है कि इस तरह बार बार आप लोग फोन करके मुझे डिस्टर्ब ना करें प्लीज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या हुआ बाबा, खैरियत? कुछ नहीं बेटा, ये साहब ऐसे ही तंग करते रहते मुझे। आपको पता है बाबा, बाबा मेरी कॉलेज की सारी फ्रेंड्स मुझे कहती हैं कि आप बहुत पावरफुल हैं, लेकिन मैं ये सबको कहती हूँ कि मैं आपसे ज्यादा पावरफुल हूँ। आपको कोई भी तंग करे मुझे बताइएगा। तो अब मेरी बेटी बचाएगी मुझे। हाँ हामिद, क्या हुआ? भाभी को अचानक कैसे? मैं हाँ मैं बाबा से कहता हूँ, लेकिन ओके ओके मैं आ रहा हूँ। बाबा वो लाइबा भाभी को इमरजेंसी मिलेंगे, कोई ऑपरेशन है उनका, सब लोग काफी परेशान हैं, हॉस्पिटल में, मैं भी वही जा रहा हूँ, आप आएंगे? मैं वहां जाके क्या करूँगा बेटा? बाबा उन्होंने स्पेशली मुझे आपका बोला और कहा कि मैं आपसे कहूँ कि आप दुआ कर दें। अच्छा चलो तुम जाओ, मैं आता हूँ। ओके ओके बाबा, खुदा हाफिज़। हाँ सब हो जाएगा, एक घंटे का तो ऑपरेशन है, अभी तुम अच्छी भली होके वापस आ जाओगी। सुनो जो लॉकर की चाबियां हैं वो मेरे कबर्ड में, जो मेरा ज्वेलरी का ड्रॉज है उसमें पड़ी हैं, और एटीएम कार्ड भी ले लेना, पासवर्ड है 1313, याद रहेगा ना? और हाँ मेरे बेटे का ख्याल रखना।
लाइबा कैसी बातें कर रही, छोटा सा ऑपरेशन एक छोटे से सिस्ट है जो निकल जाएगा, अभी तुम चलने फिरने लग जाओगे। غالباً ذوالفقار صاحب ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑا ارمان تھا آپ سے ملنے کا، بڑا سنا تھا آپ کے بارے میں، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی آج۔ آپ غالباً ڈاکٹر؟ جی میں ڈاکٹر فہد ہوں اور لائبہ کا آپریشن میں ہی کر رہا ہوں۔ آپریشن ضرور کیجئے ڈاکٹر صاحب، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ ایکسکیوز می ذوالفقار صاحب، ये आप कैसे कह सकते हैं, ये मामूली सा ऑपरेशन है और ऐसे ऑपरेशन में दिन में कई बार करता हूँ। ज़ुल्फ़िकार साहब, अभी थोड़ी देर में मैं कामयाब ऑपरेशन करके लौटता हूँ, फिर आपसे बात करेंगे। आप जाइएगा मत। मैं दुआ करूंगा कि आपको अपने यकीन पर किस्मत से ज्यादा यकीन आ जाए। का फिक्र कर रहा है यार, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, रिलैक्स। सॉरी मैं आपके पेशेंट को बचा नहीं सकी। हामिद भाई, हामिद भाई हौसला रखें। अल्लाह की मर्जी क्या थी, कोई नहीं हो सकता यार, उसकी मर्जी बस हमें सबर कर यार, प्लीज। नहीं हो सकता ये सब मेरे साथ ही क्यों? सबर कर मेरे दोस्त, प्लीज सबर कर यार, बस कर यार, बस कर। ठहरिए ज़ुल्फ़िकार साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे मालूम है आप क्या बात करना चाहते हैं। हर चीज ही आपको वक्त से पहले पता होती है और आपका शुक्रिया कि आप लोगों को बता भी देते हैं। किस्मत के लिखे को कोई टाल नहीं सकता डॉक्टर साहब। आपको बताने का मेरा सिर्फ ये मकसद था कि आप अपने आप को लाइबा की मौत का जिम्मेदार न समझे। मैं अपने आप को नहीं, आपको कसूरवार ठहराता हूँ। आपकी वजह से ऑपरेशन नाकाम हुआ है। इसमें मेरा क्या कसूर है? इसमें आप ही का कसूर है, ना आप मुझसे ये बात कहते ना मुझसे ये होता। आपने भी तो कहा था डॉक्टर साहब कि ऑपरेशन कामयाब होगा, फिर मेरे और आपके कहने में क्या फर्क है? हाँ फर्क है, आपने लोगों को यकीन दिलाया कि आप सच्चे हैं और मेरा काम लोगों की जान बचाना है किसी भी हालत में। उम्मीद होती है जो आपने तोड़ दी। मैंने किसी की उम्मीद नहीं तोड़ी, बल्कि लोगों को हमेशा राय रास पर लाने की कोशिश की है, उन्हें सच से आगाह किया। मेरे पास इल्म है डॉक्टर साहब, और मैं लोगों का भला करना चाहता हूं। आप जैसे लोगों की वजह से मुल्क का यह हाल है। आप किस किस्म के मुसलमान हैं? किसने आपको इजाजत दी है कि आप गैब का इल्म जाने, लोगों की किस्मत पढ़े? नाउज़ुबिल्लाह, अपने आप को वली या पैगंबर साबित करना चाहते हैं और इस बात की लोगों से फीस लेते हैं। मैं एक लॉयर भी हूं डॉक्टर साहब, तो मैंने आज तक किसी से इस बात के लिए कोई फीस नहीं ली। मैं तो एक आम इंसान हूं जो तो फिर इंसान बनकर रहे ना। छोड़ दें ये इल्म, छोड़ दें लोगों को बताना कि कौन जीने वाला है कौन मरने वाला। आज पहली दफा मेरे पूरे कैरियर में आपकी बातें मेरे दिमाग पर असरअंदाज हो गई। मेरे हाथ थिएटर पे कांप रहे थे। लाइबा की मौत के जिम्मेदार
आप और आपकी प्रेडिक्शन है। मेडिकल साइंस नहीं, वो बच सकती थी अगर आपके ये फजूल ख्यालात मेरे दिमाग में ना होते तो। खुदा आपको कभी माफ नहीं करेगा। देखिए, मैं किसी की मदद नहीं कर रहा था और ना ही कोई किसी की मदद कर सकता है, सिवाय इंसान के, अगर उसे अपने आप पर और अपने अल्लाह पर भरोसा है। और रही बात नुकसान की, तो मैं चंद लोगों के फायदे के लिए तमाम इंसानियत को दांव पर नहीं लगा सकता। तेरी कुदरत मौला। मैंने आप लोगों को इसलिए तकलीफ दी है कि मैं आज एक ऐलान करना चाहता हूं। मैं अपना इल्म एस्ट्रोलॉजी उसे छोड़ रहा और अब मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं उन लोगों से जो इस सिलसिले में मुझसे किसी किस्म का अगर कोई राब्ता करना चाहते हो तो ना करें। सर, हमने सुना आपको कोई धमकियां भी आई हैं, क्योंकि आपने किसी पॉलिटिकल लीडर को उनके डाउनफॉल के बारे में आगाह कर दिया था। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं धमकियों से डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने अल्लाह से डरता हूँ, और अगर मैं अपना इल्म छोड़ रहा हूँ तो किसी के खौफ या किसी के डर से नहीं, मैं खुद छोड़ रहा हूँ। सर, आप ये नहीं समझते कि आप इस अमल से लोगों की मदद कर रहे थे, और आपके ये छोड़ने से लोगों को कितना नुकसान होगा? देखिए, मैं किसी की मदद नहीं कर रहा था और ना ही कोई किसी की मदद कर सकता है, सिवाय इंसान के, अगर उसे अपने आप पर और अपने अल्लाह पर भरोसा है। और रही बात नुकसान की, तो मैं चंद लोगों के फायदे के लिए तमाम इंसानियत को दांव पर नहीं लगा सकता, और ना ही मैं बुरे लोगों की मदद करने के हक में हूँ। सर, क्या यह सच है कि आपने 1992 में पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के जीतने की पेशिनगोई की थी? आपने 2011 के वर्ल्ड कप की भी पेशिनगोई की थी कि पाकिस्तान हार जाएगा? आप क्या कहना चाहते हैं? सर, यही कि अब तक जो भी आपने बताया वो सही था। आज जिस तकलीफ से हमारा मुल्क गुजर रहा है, आप पाकिस्तान के लिए आगे क्या देखते हैं? वक्त का इंतजार कीजिए। बहरहाल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सर, आपने कुछ बताया ही नहीं। क्या बताने के लिए कुछ है ही नहीं क्या आपके पास? सर, क्या इतना बुरा होने वाला है कि आप बताना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हर चीज का जवाब अपने वक्त को मिलता है, और जवाब होता है कुदरत के पास। आप लोग भी पूछकर देखें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशारा आपको भी मिल ही जाएगा। और एक बात याद रखिए, इस मुल्क का मुस्तकबिल आप ही लोगों के हाथ में है। शुक्रिया। तुम्हारा मतलब है कि जो कुछ भी हुआ था वो बाबा की वजह से हुआ था? जाहिर है, इसमें क्या शक है? सुखेना, इस वेयर मुझे लगता है पढ़ पढ़ के ना तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। चलो, मेरी पढ़ाइयों में ही साइंस की ताकत ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, लेकिन इस पागलपन ने लाखों जाने बचाई। मान यार, प्लीज तौबा करो। तुम कौन होती हो किसी को जिंदगी देने वाली? तुम्हें बहुत घमंड है अपने डॉक्टर होने का। डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? ओपन हार्ट सर्जरी कर सकते हैं, पेसमेकर लगा देते हैं, क्या करते हैं और इसके अलावा? हाँ, मैं क्या, दुनिया भर के कार्डियोलॉजिस्ट ये ना करते तो हर रोज दिल की बीमारी से कितने लोग मरते। अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि लोगों की जिंदगी बचाना और ये सब कुछ तुम लोग खुद कर रहे हो, मतलब इसमें किसी और का हाथ नहीं है? जाहिर है मोमिन, तो ये सब कुछ और कौन कर रहा है? तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? मैं सही हूँ, मेरी बात का यकीन करो, मैं सच ही बता रही हूँ। सुखेना, तुम्हें क्या पता कि ये सब कुछ तुमसे कोई और करवा रहा हो, और यही तुम्हारी किस्मत? किस्मत, नसीब, ये सब मैं कर रही हूँ, तुम कर रहे हो। तुम कहना क्या चाह रही हो? अगर कोई यकीन रखता तो किसी का कोई दिल ना दुखाता, कोई झूठ ना बोलता, हमारे पॉलिटिशियंस हमारे मुल्क से चोरी ना करते, और कोई किसी की उम्मीद नहीं तोड़ता। जैसे रुक क्यों गई? बोलो, जो कहना चाहती हो कह दो। यही कहना चाह रही हो ना कि बाबा ने
लाइबा के लिए पेशेंट गोई नहीं की बल्कि सरखून की है। That's what you're trying to say, ना? देखो मो, जब हमें फ्यूचर का नहीं पता होता तो एक जुस्तजू और एक उम्मीद रहती है कल पर। अगर कोई फ्यूचर का बता दे तो सब खत्म हो जाता है। जब बाबा ये सब जानते थे कि कुछ बुरा होने वाला है और रोक ना सके तो अधूरी बात करने की क्या जरूरत थी। मुझे तो आपका ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। कौन सा, सफाई करने का? नहीं, लोगों की मदद ना करने का। पहले वकालत छोड़ दी, अब ये। इतनी जल्दी क्या आपको रिटायरमेंट की? देखिए, आप नहीं समझेगी, हर चीज का एक वक्त होता है। और अगर कोई चीज अपने वक्त से पहले खत्म हो जाए तो? अच्छा, तो आप अपने उस्ताद से सवाल पूछेंगे। आपकी जान नहीं छूट गई? ये रोज रोज के टेलीफोन कॉल, खतूत, आपको सुकून नहीं मिल गया? वैसे भी अब हमें बच्चों पर और घर पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें हमारी जरूरत है। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो सोचें कि लाखों लोगों के मसाइल का हल सिर्फ आपके पास होता था। क्या ये बंदगाने खुदा की खिदमत नहीं थी? खिदमत खल्क के लिए तो अपना इल्म इस्तेमाल कर रहा था बेगम साहबा, लेकिन लोगों ने उसे गलत रंग दे दिया। और वैसे भी गलत लोगों की मदद करना जायज है क्या? तो आप ना मदद करते ऐसे लोगों की, मना कर देते? देखिए, मैं गलत और सही अमल में तो फर्क करना जानता हूँ, लेकिन गलत और सही इंसान में नहीं। और फिर मैं क्या करता? मिनिस्टर साहब को मना कर देता, पुलिस वालों को मना कर देता। आपने देखा नहीं हो किस तरह मेरे पीछे पड़ गए थे? अब ऐसे भी मैंने सोचा कि वक्त से पहले बता देने से लोगों की उम्मीद खत्म हो जाती है। हमेशा ऐसा नहीं होता। इन हालात में छोटी सी उम्मीद भी लोगों के लिए सहारे का काम देती है। और आपकी पेशेंट गोइयां वैसे भी तो सच साबित होती है। लोग अकीदत ना करते तो क्या करते? देखिए, अकीदत और परस्तिश में थोड़ा फर्क है। अगर अकीदत का इजहार हद से बढ़कर वैधानियत को चैलेंज करने लगे तो वो गलत है। ये तो सिप्ताह नली की वेल है, न जाने कहां गायब हो गया है। सिप्ताह नली वही है ना जो बहुत बातें किया करते थे, गाने भी गाते थे? वही, मेरे बचपन का दोस्त है, अपने जमाने का हीरो था वो। डिबेट में, गानों में, खेल कूद में, बल्कि कॉलेज की सारी लड़कियां मरती थी उस पर। लोग उसे देवानंद कहते थे। बहुत पहले ये विल लिखवाई थी उसने मुझसे। कहता था तुम्हारे वकील होने का मुझे कुछ तो फायदा होना चाहिए। मेरे दूसरे इल्म का कभी उसने कोई फायदा नहीं उठाया। शायद वो सब कुछ जानता था अपने बारे में, अपने चीजों का भी बहुत ख्याल रखता था वो। न जाने कहां चला गया, बहुत अरसा हो गया मिला नहीं। अगर मुझे गलत याद नहीं तो आप किसी बात पर बहुत नाराज हुए थे, उसके बाद से वो नहीं आए। आप पता क्यों नहीं करवा रहे थे कि वो कहां है? वो जहां भी है अल्लाह खुश रखे उसे, वक्त मिलेगा तो पता करूंगा। बस कर दो, बस कर दो। तुम ढंग से अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? सारी रात खौं खौं कर करके हमारे सारे घर वालों की नींद खराब कर दिया तुमने। देखो भाई, मेरी इस खांसी से मेरी बेटी जहरा और मुस्तफा की नींद तो खराब नहीं होती ना, अब सिर्फ एक तुम्हारी ही नींद खराब होती है। कितनी मर्तबा मैंने तुमसे कहा है कि भाई बाहर सो जाया करो, अब इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रही हो? मैं तो बाहर नहीं सो सकता ना, जोड़ों में दर्द है मेरे, ये तुम्हें पता है अच्छी तरह से।
मैं इसलिए इस तरह नहीं देख रही, बल्कि इसलिए तुम्हें देख रही हूँ कि ये तुमने हर वक्त मेरी बेटी की रट लगाई हुई होती है ना। मुस्तफा का तो कभी बेटा नहीं बोला तुमने, और उस जहरा को हर वक्त मेरी बेटी लगे रहती हो। अरे किसके मुंह लग के मेरी नींद बर्बाद कर रही हो अम्मा? अरे रोज सोने से पहले एक घंटा लड़ते हो तुम लोग। तो सुबह काम पे जाना है मुझे, सो जाओ तुम भी, मुझे भी सोने दो। देखो जुबैदा, मुस्तफा को बेटा ना कहने से वो मेरा बेटा नहीं रहेगा क्या? बेटा तो मेरा है, लेकिन जहरा को मैं बेटी हर वक्त इसलिए कहता रहता हूँ कि वो मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं, और ना ही तुम उसको अपनी बेटी समझती हो। बड़ी मेहरबानी, खुदा के लिए अब रात के 12 बजे मैं इस फजूल की बहस में नहीं पड़ सकती। खुद भी सो जाओ और हमें भी सोने दो। देखें तो जरा कि आज का स्टार क्या कहता है। आज के दिन पर अदद 6 की हुक्मरानी है, इसलिए सरगर्मियों से मोहतात रहे। आज का दिन आपकी ऑफिस की कारकर्दगी पर असरअंदाज हो सकता है। मालकान का रवैया आपके साथ तल्ख हो सकता है, सफर से मुताद रहे। इसका मतलब है कि आज मैं ऑफिस नहीं जाऊं, लेकिन आज तो प्रेजेंटेशन देनी है। ऐसा करूंगी सबसे दूर दूर रहूंगी, बॉस के सामने तो जाऊंगी ही नहीं, वैसे भी वो पागल सा ही तो है। आज का लकी कलर पर्पल है। तो आज सितारों का हाल पढ़ लिया मेरी बेटी ने। अरे जरा से सुआ, बहुत अच्छी लग रही है। अपनी किस्मत बदलने के लिए सब रंग पहनते, शायद कोई रंग मुझे रास आ जाए। देख बेटा, तुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे तुझ पे तो हर रंग सजता है, मेरी बेटी तो बहुत किस्मत वाली है ना। अरे ओ अब्बा की लाडली बेटी, चल जा जल्दी जा ताकि जल्दी वापस आ सके। कहीं बहाना ये ना कर देना कि काम देर तक होता रहा। जब आधी आधी रात को वापस आती है ना घर, तो महल्लेदारों को मुझे जवाब देना पड़ता है, तेरे अब्बा को नहीं। मैं नाश्ता आई मां सबके लो, ये तो होना ही था। सुबह सुबह इस मनुष्य की शक्ल जो देख ली, अब ये है मेरा पूरा दिन। तेरी कुदरत के फिर उसका पुतला गाड़ देते हैं। I am getting lot of complaints about you. आज का दिन आपकी ऑफिस की कारकर्दगी पर असरअंदाज हो सकता है। आस का देवा झूठा निकला, सूरज मन्नत का गहनाया।
सब तेरे मर्जी।